हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं मैं ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। ज्ञानपीठ अवार्ड इस साल 56th एंड 57th ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करेंगे दिया गया है। किनको दिया गया, किस लैंग्वेजेस के हैं वो पोइट, राइटर, नोवलिस्ट, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। इवन पहली दफा कब दिया गया था। ओके, तो एक बार बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 के विनर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा हर साल उन ऑथर को दिया जाता है, उन लेखक को दिया जाता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया होता है लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। पहली दफा ये अवार्ड 1961 में इंस्टीट्यूट किया गया था, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th स्केड्यूल में लैंग्वेजेस हैं उसमें जो राइटर रहते हैं, इंडियन राइटर्स रहते हैं, उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट, जो कि बैंक, एसएससी, रेलवे या इवन कोई भी एग्जाम जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट बनता है कि फर्स्ट रिसिपेंट इस अवार्ड के कौन रहे थे। तो जो मलयालम राइटर जी शंकर कुरूप हैं, उनको पहली दफा इस अवार्ड से 1965 में सम्मानित किया गया था उनकी उस पोयम के कलेक्शन के लिए जिसका नाम है द बैम्बू फ्लूट या फिर ओदा कुझल। थोड़ा नाम इसका ट्रिकी है, ओदा कुझल ये याद रखना है, जिसको पब्लिश 1950 में किया गया था। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि इस साल किनको दिया गया है। तो 56th ज्ञानपीठ अवार्ड और 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दोनों एक साथ अनाउंस हुए। नीलामणि फुकन ने, जो कि असम के पोएट है, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया 56th, एंड 57th से कोंकणी शॉर्ट स्टोरी राइटर नोवलिस्ट दामोदर मौजो को। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट बनेंगे, 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दामोदर मौजो एंड 56th ज्ञानपीठ अवार्ड ये नीलामणि फुकन को दिया गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको इस तरीके के और भी फैक्ट जानने हैं और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ कनेक्ट रहना है तो मेरे साथ डेली बेसिस पे मॉर्निंग 7 AM 247 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए। ओके, थैंक यू।